हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू सीएससी हेल्प डेस्क 2.0। मेरे को फिर साफ सफाई का स्वागत है। मैं हूँ तेज मिश्रा और आप देख रहे हैं यहाँ पे सीएससी हेल्प डेस्क। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं HDFC एर्गो इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप नए नए सीएससी VLE हैं और नए नए अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है सीएससी में, मतलब कि इंश्योरेंस के लिए आपने अप्लाई किया था और आपका इंश्योरेंस का जो पोर्टल वो धीरे धीरे अब ओपन हो रहा है, तो HDFC एर्गो में आपको एक पहचान ID यहाँ पे पूछ रहा है KYC के लिए। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे KYC वगैरह पूछता है। तो क्या है, कैसे KYC होगा और पहचान आईडी कैसे बनेगी, क्या प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जैसे मैं बताऊँगा सेम उसी तरीके से आपको करना है और आपका जो पहचान आईडी है वो बन जाएगा। उसके बाद आपको कैसे यहाँ पे इंश्योरेंस करना है तो वो सारे प्रोसेस आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पे और आपको यहाँ पे दिखाते हैं। पहले आपको यहाँ पे अपने CSC पोर्टल पे जाना होगा डैशबोर्ड में, और वहाँ पे आपको इंश्योरेंस वाले टैब में जाना होगा। जैसे आप इंश्योरेंस पे जाएंगे तो बहुत सारे जो यहाँ पे इंश्योरेंस के पोर्टल है वो दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पे HDFC एर्गो वाले पे जाना होगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो बता दें कि आप किसी भी जाएंगे मोटर कॉम्प्रोवेंस में तो वहाँ पे आपको मिलेगा। फिर वहाँ से आप क्लिक हियर करेंगे तो यहाँ पे HDFC का डैशबोर्ड खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे CSC कनेक्ट पे क्लिक करना। जैसे आप CSC कनेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सामने आपको KYC ID प्लीज़ क्लिक, तो इस पर क्लिक करना है, क्लिक हियर पे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन पे अपना फुल नेम डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के गेट OTP पे क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और उस OTP को आपको यहाँ पे डाल के सबमिट करना है, प्रोसीड करना है। तो जैसे आप यहाँ पे डाल के इसको वेरीफाई करेंगे OTP डाल के, तो फिर यहाँ पे आपको पैन कार्ड डालना है। तो अब देखिए यहाँ पे एक आया है कि KYC ID पहचान ID, तो ये आपके पास है ना, इसको आपको बनाना पड़ेगा। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। पैन कार्ड डालिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिए और उसके बाद प्रोसीड करिए। चाहे तो आप यहाँ पे आधार कार्ड से भी कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप पैन कार्ड डाल के ही इसको करिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये डेटा फीच करेगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, तो यहाँ पे यस करना होगा। जो पैन कार्ड में नाम है एज इट इज वही नाम रहेगा, तो आपको यहाँ पे यस पे कर देना है। उसके बाद आपको अपने मदर का नेम और फादर का नेम यहाँ पे डालना होगा और आपका एड्रेस यहाँ से ले लगाइए। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं भी यहाँ पे कर देता हूँ, बाकी और चीज़ें जो हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे अपना एनुअल इनकम सेलेक्ट करना होगा, ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होगा और कुछ डिटेल यहाँ पे देना होगा बिजनेस का। तो आप अगर VLE हैं तो सबसे कम वाला सेलेक्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, गवर्नमेंट प्राइवेट ये पब्लिक अगर आप हैं तो वो कर सकते हैं, नहीं तो आप अदर वाला यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास CSC सेंटर है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ लिखना है उसके बारे में कि कहाँ पे आप काम करते हैं अदर्स बिजनेस में, तो यहाँ पे आप कॉमन सर्विस सेंटर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको नो करना। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तब आप यस करेंगे, अगर नहीं है पॉलिटिशियन तो नो करेंगे और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ तो कुछ एरर आ रहा है। एक्चुअली मैंने ऑक्यूपेशन यहाँ पे नहीं सेलेक्ट किया, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो ऑक्यूपेशन में आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। देखिए आपका यहाँ पे KYC कम्प्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पे ID मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक हियर पे फिर से आएंगे, दोबारा क्लिक करेंगे, सेम वही चीज़ डालेंगे, आईडी पासवर्ड और OTP, सॉरी आईडी पासवर्ड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे नाम डालेंगे, OTP डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP मिलेगा और यहाँ पे आपको OTP डाल के सबमिट कर देना। फिर आप यहाँ पे देखिए पहचान आईडी मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर थैंक यू का मैसेज आएगा और फिर से आपको क्या करना होगा, HDFC में आना होगा और फिर से क्लिक करना है यहाँ पे और CSC कनेक्ट करना। उसके बाद आप यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे अपना जो भी पॉलिसी है, कॉम्प्रिहेंसिव है, मोटर थर्ड पार्टी, वो सारे पॉलिसी आप इंश्योरेंस यहाँ से कर सकते हैं। बस इस तरीके से आप अपना पहचान आईडी बना सकते हैं और उसके बाद पहचान आईडी बनाने के बाद आप किसी भी इंश्योरेंस का बाय पे जाके वहाँ पे
बाय कर सकते हैं, मतलब किसी का भी कोई भी इंश्योरेंस कर सकते हैं जो जो ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है। बस बहुत ही छोटा सा वीडियो था, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए CSE BLE हैं और नया नया आपने CSE ज्वाइन किया है, तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं अच्छी तरीके से तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर बताऊँगा। CSE कैसे आपको वर्क करना, CSE में कहाँ पे फ़ायदा कहाँ नुकसान है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और इस वीडियो को लाइक करें ज़रूर, और जो भी वीडियो आती है उसको देखा करें, ताकि आपको उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर आप नए वीडियो नहीं देखोगे ना, तो क्या होगा कि कुछ नई स्कीम्स रहेंगी, वो फिर आप देर में देखोगे तो वो ख़त्म हो जाती हैं स्कीम्स। तो रेगुलर वीडियो देखते रहेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई मन में डाउट है, कोई सवाल है, तो रितेश34 Insta ID वहाँ जा सकते हैं, या कमेंट में आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।